दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नया SBI ATM कार्ड का पासवर्ड या पिन SBI ATM मशीन के द्वारा बनाना जानेंगे और यदि आप पुराना SBI ATM कार्ड का पिन भूल गए हैं तो नया पिन कैसे बनाना है जानेंगे। यदि आपको पुराने पिन को बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से बदल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। ATM का नया पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप बैंक ATM में जाएंगे और ATM में अपना ATM कार्ड लगाएंगे और थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद आपको पिन जनरेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और कन्फर्म बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे आपका बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर और कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार और कन्फर्म बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप योर पिन जनरेशन ट्रांजेक्शन इस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ATM कार्ड को निकालेंगे और वापस ATM मशीन में डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर बैंकिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी दो अंक डालना है यहाँ पर और एस बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पिन डालना है। पिन आपको SMS के द्वारा प्राप्त होगा। यहाँ पर जो अंकों वाला लिखा हुआ है इसको यहाँ पर नहीं डालना है। आपको डालना है कौन सा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है 4000। इस तरीके से आपका कोई भी चार अंक का पिन आएगा वो यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर पिन चेंज लिखा हुआ है इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना जो पिन आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर पिन बना लेंगे चार अंकों का और इसके बाद नया पिन फिर से एक बार और डालेंगे। प्लीज़ री एंटर योर न्यू पिन, नया पिन एक बार और डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। ट्रांजैक्शन बीइंग प्रोसेस बताएगा, थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद योर पिन हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड बन चुका है, चेंज हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने पुराने ATM कार्ड का पिन भी बना सकते हैं और आपका पुराना पिन आप ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो चुका है, ज़्यादा लोगों को पता चल चुका है आपके परिवार में या दोस्तों को, तो इस तरीके से आप अपना नया पिन भी बना सकते हैं और अपने ATM कार्ड का जो ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं इसके बाद आप ट्रांजेक्शन यहाँ से कर सकते हैं।